कौन है बे? रामेश्वर सिंह के नाम वारंट है, गेट खोलो। इस देश में गरीबी का कारण गरीब नहीं, उनसे लूटने वाले तुम जैसे बेईमान अमीर है। डिपार्टमेंट ऑफ टैक्स की चोरी बर्दाश्त नहीं करेगा। पिछले 7 सालों में मेरा 49 बार ट्रांसफर हो चुका है। जब तक 50 बार ट्रांसफर नहीं हो जाता, इस शोर की आदत डाल देना। बबुआ रेड मारोगे, खाली हाथ वापस चले जाओगे। मैं सिर्फ शादी वाले दिन ससुराल से खाली हाथ लौटा था। मैं सुबह सुबह किसी के घर पहुंच जाऊं तो कभी खाली हाथ वापस ना आऊं, समझे? रेड में ऑफिसर्स के अलावा उनके बीवियों को भी बहादुर होना पड़ता है, समझे? वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, अजय देवगन की फिल्म रेड का ट्रेलर अभी लॉन्च हुआ है एंड इट इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग किस तरह से एक रेड को कंडक्ट की जाती है। और फ्रेंड्स, इस फिल्म का जो विलन है सौरभ शुक्ला, यानी कि अपना मामा कल्लू मामा, वेल फ्रेंड्स कल्लू मामा इस फिल्म में जो विलन दिखाने वाला है गाइस, लिटरली स्पीकिंग अजय देवगन का स्वैग, उसका रेबैन वाला चश्मा, उसके फॉर्मल आउटफिट, उसका हेयर स्टाइल एब्सोल्युटली किक-ऐस है गाइस। ये फिल्म जब 16 मार्च 2018 को स्टेटस में लगेगी, लिटरली स्पीकिंग 100 करोड़ तो मिनिमम इसका एक हफ्ते में कमाएगी। अभी कितना कमाएगी, शायद अजय देवगन की जिंदगी की हाईएस्ट ग्रॉसर भी बन सकती है। वेल फ्रेंड्स, बात करें इस ट्रेलर की, तो ट्रेलर की शुरुआत में आप देखते हो किस तरह से अजय देवगन एक बंगले के अंदर रेड मारने जाता है और जिसके वहां रेड होने वाली रहती है उसका नाम है रामेश्वर सिंह। यस फ्रेंड्स, रामेश्वर सिंह यानी कि सौरभ शुक्ला डिपार्टमेंट में रहता है इनकम टैक्स का, वो उसे वार्न करता है कि याद रखना अगर ये रेड गलत निकली, अगर तेरी इंफॉर्मेशन गलत निकली तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। और फ्रेंड्स वही होता है ट्रेलर के एंड तक, यू नो पूरे ट्रेलर में अजय देवगन खोज रहा है उस पैसों की तलाश में और सौरभ शुक्ला उसको बार बार उंगली करता है, क्या इस रेट से कुछ नहीं होगा, सिर्फ पसीना निकलेगा। वेल फ्रेंड्स, जब अजय देवगन एंड में बोलता है पसीना तो निकलेगा ही, लेकिन इस रेट खत्म होने के बाद तेरे घर से 420 करोड़ भी निकलेंगे। वेल फ्रेंड्स फैंटास्टिक, ये रेट 1981 में स्थित है, तो 420 करोड़ वो टाइम का, ये जमाने का कम से कम 40,000 करोड़ पकड़ के चलो, कितनी बड़ी रेड होगी, जस्ट इमेजिन गाइस। इलियाना डी क्रूज, गाइस इलियाना डी क्रूज और अजय देवगन की जोड़ी मुझे काजोल अजय देवगन की जोड़ी की याद दिलाती है। आफ्टर बादशाह, पहली बार यू नो बादशाह में भी उन लोग का एक लव एंड हेट रिलेशनशिप था, वो किस तरह से उसको डबल क्रॉस करती है, लेकिन इस फिल्म में जो केमिस्ट्री दिखाई है इलियाना ने, और फ्रेंड्स वो गाना जब आएगा इत खैर मंगना तेरी या मैं सोनी, वो गाने का मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रहा हूं। वो गाना इस फिल्म को एडेड एडवांटेज देगा। इस फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट है और फ्रेंड्स लखनऊ की लोकेशंस काफी ब्यूटीफुली दिखाए गए हैं इस फिल्म में। और फ्रेंड्स जो डायलॉग अजय देवगन बोलता है इस फिल्म में एपिक, जिस तरह से रेड कंडक्ट करने से पहले वो सबको बोलता है कि रेड के कुछ रूल्स होते हैं, तुमको अपने मोबाइल बंद रखने पड़ेंगे, तुमको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स जितने भी सीक्वेंस हमको इस ट्रेलर में दिखते हैं अलॉन्ग विद अजय देवगन पावरफुल डायलॉग, पहला सीन जब वो बोलता है दरवाजा खोलो, बोलता है रेड मारेगा अंदर देख रहा है, और अजय देवगन बोलता है अंदर क्या तू बाहर देख रहा है, फैंटास्टिक डायलॉग। द क्लैश बिटवीन सौरभ शुक्ला एंड अजय देवगन विल मेक रेड सॉरी अ ब्लॉकबस्टर एट द बॉक्स ऑफिस। मैं काफी एक्साइटेड हूं, मैं इस ट्रेलर को देता हूं 5/5 स्टार्स। अभी पीवीआर में इस ट्रेलर का लॉन्च हुआ, मैंने इसके लाइव फुटेजेस देखे, पब्लिक वाले प्रेस वाले सब विसिल सीटियां मार रहे थे इस ट्रेलर में। वेल फ्रेंड्स एपिक ट्रेलर 5/5 स्टार्स। सो फ्रेंड्स अगर एपिसोड पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज मिया मेरन साइड साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।